हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास सेठ आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ नए वीडियो के जरिए बताती रहता हूँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने नाउन को कंप्लीट किया था। नाउन हमारी समाप्त हो चुकी थी, नाउन के जितने भी पार्ट्स थे सबको हमने समाप्त कर दिया था। और आई थिंक नाउन के करीब 4 से 5 वीडियो हैं। अगर आपने नाउन सही तरीके से नहीं समझा है अभी भी, तो एक बार जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप उसे ज़रूर चेक कर लें और उसे एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ओके, सो नाउन का सेशन समाप्त हो चुका है और आज हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन दैट मीन्स सर्वनाम। तो केवल आज हम लोग प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रोनाउन कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ओके, लेट्स सी प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं गाइस। सो डेफिनेशन इज देयर दोज वर्ड विच इज यूज फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग में लाया जाता हो। वैसे शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वन मोर डेफिनेशन इज देयर, प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जिसको प्रयोग किया जाता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले में जो यूज किया जाता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। यहाँ पे दो दो डेफिनेशन है, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, आप दोनों को पढ़ सकते हो और दोनों इजी है, काफी इजी है। इन शॉर्ट बोला जाए तो प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर नाउन, वेरी सिंपल। प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल सीखते हैं प्रोनाउन के। आई आई मीन्स मैं, यू दे ही सी वे अश हेम हर योर एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज होते हैं। ये कुछ हमारे प्रोनाउन के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हम प्रोनाउन आखिरकार यूज क्यों करते हैं, प्रोनाउन को यूज करने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज दिया, राम इज अ गुड बॉय, ही कम्स राम कम्स अ स्कूल एवरी डे, राम इज एंड इंटेलिजेंट बॉय, राम ऑलवेज बिकम फर्स्ट इन द क्लास। इसी का अगर दूसरा रूपांतर हम लोग लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा हमारा, राम इज ए गुड बॉय, ही कम्स अ स्कूल एवरी डे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि क्या फर्क है दोनों में। यहां पे है राम इज अ गुड बॉय, राम कम्स स्कूल एवरी डे, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम ऑलवेज बिकम फर्स्ट इन द क्लास। यहां पे प्रत्येक वर्ड में हमारा राम 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 और राम यूज किया गया है, हर जगह नाम से इसको पुकारा गया। वहीं दूसरी वीडियो में, दूसरी लाइन में हम क्या देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय, ही कम्स स्कूल एवरी डे एंड
ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। गाइस आप अगर वीडियो को देखेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे इस लाइन को, अगर आप इस लाइन में पढ़ते हैं तो बार बार आपको राम 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 रिपीट करना पड़ता है, जो कि थोड़ी सी बोरिंग फील होती है। और दूसरे यहाँ पे राम उसके बाद ही, जो कि थोड़ी स्मार्ट लैंग्वेज है, स्मार्टनेस आती है इसके द्वारा। और सेकेंड बात यह है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली के अनुसार से हम एक ही लाइन में एक नाम को बार बार नहीं दोहरा सकते हैं। अगर हम एक ही नाम को बार बार रिपीट करते हैं राम 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 राम, तो दैट इज रॉन्ग, वो हमारा गलत हो सकता है। ग्रामर कहती है कि अगर एक ही लड़का को हमें बार बार इंगित करना है तो हम उसके बदले प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे राम है तो राम के बदले हम ही करेंगे, सीता है तो सी करेंगे, ओके ऐसे। सो एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम कम्स स्कूल एवरी डे, राम प्रत्येक दिन स्कूल आता है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बहुत तेज लड़का है। दूसरी लाइन में देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ही कम्स स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल भी आता है, ही इज इंटेलिजेंट बॉय, वह एक तेज बच्चा भी है। तो इसलिए हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं एक ही नाम को बार बार रिपीट करूंगा एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली वो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें प्रोनाउन की प्रयोग करना पड़ता है। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो फॉर टुडे गाइस इट्स इनफ, फॉर टुडे इट्स इनफ, योर क्लास इज ओवर, बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोनाउन के काइंड्स के साथ में, ओके गाइस, बाय एवरीवन।